कि अब अधिक विलंब स्वीकार्य नहीं है। लंबे अरसे से इस मुद्दे को टाला जाता रहा है और छद्म धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने इस मुद्दे को विवादित मुद्दा बनाया है। भगवान राम का मुद्दा भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत की पहचान से जुड़ा हुआ है। इसे हिंदू मुस्लिम विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन यह विवाद पैदा करने की जो कुछ ताकतों के द्वारा कोशिश हो रही है, इसी अर्जेंसी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संदेश के रूप में सरकार और न्यायालय दोनों को दिया है कि सिविल सोसाइटी में स्थिरता लाने के लिए और सौहार्द को बनाए रखने के लिए जरूरी है इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाना चाहिए। मैंने यह सवाल यह इसलिए उठाया कि बार बार इस हिंदुस्तान की राजनीति में चार बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में, मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी, अखिलेश जी नेतृत्व कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, और चंद्रबाबू नायडू जो नए नए यूपी में शामिल हुए हैं। ये सभी बार बार ये सवाल उठाते हैं कि राम जन्मभूमि का के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए, वोट की राजनीति के लिए दोहन कर रही है। तो मैंने उनसे सवाल उठाया कि आप बीजेपी पर आरोप लगाकर उनसे बार बार पूछते हैं कि तारीख बताओ कब बनाओगे, तो क्या यदि मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाता हूं तो ये समर्थन करेंगे? इसका जवाब देने की जगह उन्होंने इस प्रश्न की उपेक्षा की। साफ दर्शाता है कि इन लोगों की मंशा इस मुद्दे को सुलझाने में नहीं है, वे उसी कपिल सिब्बल के राह पर चल रहे हैं जो कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट के अंदर कहा था कि इस मुद्दे को 2019 के चुनाव तक टाल दिया जाए। इनका बस चले तो अगली बार कहेंगे 2024 तक, बाद में कहेंगे 2029 तक। ये असीमित समय तक इस मुद्दे को लटकाकर रखना चाहते हैं और संघ इसे असीमित समय तक लटकाकर रहने नहीं देना चाहता। ओवैसी की तरफ से ट्वीट आया है, उनकी तरफ से बयान आया है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ से चलता है, आस्था से नहीं चलता है। ओवैसी साहब ने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दो अच्छे शब्द कहे, ये मुझे अच्छा लगा। ओवैसी साहब को मैं याद दिला दूं, 1951 से लेकर 2018 तक उनके समाज के बहुत से लोगों ने किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया। साहबानों के मामले पर एक कैबिनेट मंत्री ने न्यायालय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में क्या टिप्पणी की, वो जेडे अंसारी थे, पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे। सड़कों पर किस प्रकार से रिपब्लिक डे का बहिष्कार और अपमान किया गया, तिरंगे झंडे का अपमान किया गया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मंथरा और केकई की भूमिका निभा रहे हैं, वो 30 साल से भगवान श्री राम को चुनाव के मौके पर बुलाते हैं और खुद का राज्य अभिषेक कर वनवास भेज देते हैं, यही वास्तविकता है। परंतु जनता अब उनकी इन झूठी बातों में बेवकूफ नहीं बनने वाली।